एसोसिएट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर वन कि उस टीचर्स के पास 5 एचसीआई लेवल आइदर स्कोपस इंडेक्सिंग का रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। स्टेप नंबर टू, उस टीचर के पास 1 नेशनल आइदर इंटरनेशनल बुक पब्लिश होना चाहिए उसके नाम से। थर्ड पॉइंट, उस टीचर के पास एटलीस्ट 1 फंडेड प्रोजेक्ट रनिंग, मे बी गवर्नमेंट एजेंसी मे बी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी का होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, उस टीचर के पास 2 एज ए को गाइड पीएचडी स्टूडेंट को वो गाइड कर रहे हो, कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। स्टेप नंबर 5, टीचर का टीचिंग एक्सपीरियंस 8 ईयर का होना चाहिए। आउट ऑफ 8 ईयर 5 ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रूवल होना चाहिए, देन वो एलिजिबल है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। साथ साथ इस 5 स्टेप में कहीं कोई कमी है सो एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले, एटलीस्ट 3 पब्लिश्ड पेटेंट अपने नाम से ट्राई करे और 2 नेशनल आइदर इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम से ट्राई करे रिसीव करने का। इस पूरे प्रोसेस में उस टीचर्स का पीएचडी कंप्लीट होना ये एक नेसेसरी कंडीशन है, देन आप एलिजिबल हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। थैंक यू। इससे और रिलेटेड अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं।